इस दुनिया में जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, ये संसार का नियम है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमेशा जादू चलता रहेगा। अपने आखिरी शो में ऐसा कहने वाले जादुई दुनिया का एक सितारा, जो अपने जादू से हमेशा सभी को चौंका देता था, आज एक बार फिर सभी को भावुक कर गया। हम बात कर रहे हैं जादूगर ओपी शर्मा की, जिन्होंने 71 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इसी के साथ भारत में जादूगरी का एक अध्याय खत्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक जादूगर ओपी शर्मा का 15 अक्टूबर की रात को निधन हो गया है। वह उत्तर प्रदेश के स्थित कानपुर के रहने वाले थे। वह बीते कई महीने से बीमार चल रहे थे। ओपी शर्मा बरा स्थित भूत बंगला में रह रहे थे। आपको बता दें कि ओपी शर्मा मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। वह कानपुर में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में काम करने आए थे और यहीं से फिर जादूगर बन गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में 34,000 से ज्यादा जादू के शो किए हैं। इन शो के जरिए वे हर वर्ग को अपना मुरीद बनाते थे। बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्गों तक उनके फैन थे। उनका जादुई गेटअप भी लोगों को खास आकर्षित करता था। उनके परिवार में पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी है। ओपी शर्मा के छोटे बेटे सतप्रकाश शर्मा भी जूनियर ओपी शर्मा कहे जाते हैं। वह भी जादू दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओपी शर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर में गोविंद नगर से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। वहीं अब उनके निधन के बाद राजनेता भी शोक जताते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके निधन का यह दुखद खबर मिलते ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ओपी शर्मा के निधन के साथ ही भारत में जादूगरी के एक अध्याय के सफर का हमेशा के लिए अंत हो गया है। दिल के साफ और बेहद मिलनसार जादूगर ओपी शर्मा 2 साल पहले जब कोरोना महामारी चरम पर थी तब उसकी चपेट में आए थे। दहशत के उस दौर में ओपी शर्मा अस्पताल में कोविड-19 के जानलेवा वायरस को हरा कर जिंदगी की जंग जीतने के बाद घर लौट आए थे। लेकिन इस बार होने को कुछ और ही मंजूर था और उनके दुखद निधन की खबर सामने आई। ओपी शर्मा अपने जादू के माध्यम से समाज में जागरूकता भी फैलाते थे। उनके जादू सामाजिक कुरीतियों पर कुठारघात करने वाले होते थे। वो हमेशा कहते थे कि जिसे आप जादू समझते हैं वो कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का ही एक चमत्कार है। उन्होंने अपने अंतिम शो में कहा था कि हर शो हाउसफुल के बाद भी यदि जादुई दुनिया को विराम देना पड़ रहा है तो इसके पीछे आगे के कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पहले से ही तय हो जाते हैं। यही कारण है कि चाहकर भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा पाता। अपने आखिरी शो में उन्होंने कहा था कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। ये संसार का नियम है। मैं रहूं या ना रहूं, जादू हमेशा चलता रहेगा। जब लोगों को ये पता चला कि जादूगर का शो अंतिम पड़ाव पर है तो दर्शक बैठे बैठे भावुक हो गए थे। तभी एक महिला ने लगभग रोते हुए ये कहकर माहौल गमगीन कर दिया था कि अभी ना जाओ, छोड़कर दिल अभी भरा नहीं।